राजा भैया का बड़ा ऐलान, किस पार्टी का करेंगे समर्थन, किसका विरोध। अमित शाह से की थी राजा भैया ने मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां हर पार्टी दर एक बड़े गठबंधन बनाकर इस चुनाव की जंग को लड़ रहा है, तो ऐसे में जहां कई सारे कयास लग रहे थे कि जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया किसका साथ देंगे और किसका साथ नहीं देंगे, राजा भैया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बताते चलें कि अभी हाल ही में उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ना हम चुनाव लड़ रहे हैं ना किसी के समर्थन में, ये इसलिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव को हमने लड़ा था, हमारे प्रत्याशी कुंडा और बाबागंज से जीते भी थे लेकिन लोकसभा जीत नहीं पाए। उन्होंने कहा ये गठबंधन का दौर है, हमारा किसी से गठबंधन नहीं हुआ, इसलिए हमारे लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम किसी का ना विरोध करेंगे और ना समर्थन, जिसका जिसे वोट देने का मन है वो उसे दे। वहीं अमित शाह से हुई मुलाकात पर राजा भैया बोले कि अमित शाह से मुलाकात लेकिन यह नामांकन के बाद हुई है, अमित शाह से मुलाकात बड़ी यादगार रही है हमारी, बहुत बातें हुई हमारी, लेकिन कमरे के अंदर की बात मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। इस मुलाकात के बाद ही लगने लगा था कि राजा भैया बीजेपी के समर्थन देने वाले हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। और इसी के साथ राजा भैया ने कहा कि जनसत्ता दल बिना गठबंधन के कांग्रेस और बीएसपी से बड़ी पार्टी है, हमारे दो विधायक एक एमएलसी बिना किसी पार्टी के मदद के जीतते हैं और हमने अपने समर्थकों को फ्री कर दिया है, हमारा खुद का कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में एक बड़ा वोट बैंक है और अब हमारे समर्थक ही निर्णय करेंगे कि आखिर वो भाजपा या सपा किसको वोट देंगे। और मैं 31 साल से 7वीं बार विधायक हूं, एमएलसी का चुनाव भी हम जीतते हैं, लेकिन यदि मैं जनता का काम न कर रहा होता तो इस तरह जनता का समर्थन न मिल रहा होता। मगरमच्छ वाली बात कोपल कल्पित है। ऐसी ही एक बात लालू प्रसाद यादव जी ने भी पूछी थी कि मगरमच्छवा सही है या नहीं, तो उनकी आशंका को भी मैंने मौके पर ही दूर कर दिया था। जिस तालाब की बात हो रही थी उसमें हमने भी तैरना सीखा है और गांव के कई बच्चे भी उसमें तैर कर तैराकी सीखे हैं। वहीं राजा भैया पीएम की तारीफ भी किए, चंद्रशेखर जी से हमने बहुत सीखा है, नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रशंसनीय हैं, जो उन्होंने निर्णय लिया है वो वही ले सकते हैं। अमित शाह जी से भी मैं प्रभावित हूं, लेकिन हम एक दल हैं इसलिए हमें एक निर्णय लेना था। सब लोग ये जानना चाहते हैं तो सब लोगों को पता भी है कि राजा भैया का क्या रुख है। कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हमने अपने सभी शुभेच्छुओं को ये कह दिया है कि दल का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है और गठबंधन भी किसी दल से नहीं है, तो आप लोग स्वविवेक से स्वेच्छा से जहां चाहें जिसको चाहें मतदान करें, समर्थन करें, आशीर्वाद दें। लेकिन आपकी मुलाकात विनोद सोनकर संजीव बालियान से हुई, अमित शाह जी से भी बेंगलुरु में आपकी मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद भी आखिरकार न्यूट्रल रहने का फैसला क्यों? नहीं, हम बताते हैं। देखिए मुलाकातें तो सब समय, आपने जैसे भाजपा प्रत्याशी का नाम लिया तो मुलाकात करने सपा प्रत्याशी भी आए, आप भी कई पत्रकारों से मिलते हैं तो क्या उनके चैनल में थोड़ी शामिल हो जाते हैं, या हम लोग राजनीति में हैं, अलग अलग दलों के नेता भेंट होती रहती, बात होती रहती है, संबंध सबसे अच्छे हैं, लेकिन जब तक दल का गठबंधन नहीं हुआ है तब तक एक दल का नेता दूसरे दल के मंच पे या कैसे जा सकता है ये। लेकिन राजा भैया जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे उस समय में आपने जी एक स्टैंड लिया था, लेकिन इस बार वो स्टैंड जब नहीं गत 8 वर्षों से, ये द्विवार्षिक चुनाव है इसलिए कि हम दर्शकों को भी बता दें कि हर 2 वर्ष पे राज्यसभा का और विधान परिषद के चुनाव होते रहते हैं, इसमें विधायक वोट देते हैं और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, तो ये 2018 से हम देते आ रहे हैं। जब आवश्यकता पड़ती थी तो भाजपा के संगठन के कुछ लोग आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, उन्होंने कहा कि वोट चाहिए, हमने कहा ठीक है, तो तब से हम देते आ रहे हैं। लेकिन जो आपका स्टैंड है तो उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में गुट बन गया है, कुछ लोग सरोज जी के समर्थन में खुलेआम देखे गए हैं, तो आप जो जहां है खुलेआम है, उसमें कहीं कोई दबने वाली बात नहीं है, जो जिसके भी समर्थन में खुलेआम है। अच्छा भैया, जो आपका स्टैंड है, आप पिछले कुछ दिनों में जो बयानबाजी हुई लगातार राजा भैया को ही, देखिए हम एक चीज ये कहेंगे कि हमारे लिए ये मैटर करता है कि हमारे समर्थक हमारे कार्यकर्ता वो प्रसन्न है जिनकी बदौलत हम हैं, तो हमारे इस निर्णय का उन्होंने स्वागत किया है, वो प्रसन्न है। लेकिन जिस तरह से निजी तौर पर आपको चुनौती देने की कोशिश की गई, अनुप्रिया पटेल है चाहे जो यहाँ से सांसद है विनोद सोनकर, या क्षत्रिय समाज को लेकर के कई बातें कुछ लोगों ने की, हमको किसी ने चुनौती दी है ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है।
और जो बयानबाजी है हुई है क्षत्रिय समाज को लेकर, उसको लेकर के कोई नाराजगी? नहीं, यहाँ पे किसी ने बयानबाजी नहीं करी है। जो मोदी जी का नेतृत्व है या उनका व्यक्तित्व, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अद्भुत नेतृत्व है और भारत को बहुत आगे ले गए और बहुत से ऐसे निर्णय लिए उन्होंने जो अभूतपूर्व। ये कहा जा रहा है कि चूंकि जब कयास लगाए जाते हैं तो बहुत तरह के कयास मीडिया में भी लगाए जाते हैं, राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उस समय में ये कहा जा रहा था, आप चूंकि वहां दिखे तो ये लगा कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, क्या फिर इस तरह की चीजें कैसे हो गई? एक हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे कि जितने लोग अयोध्या जी में दिखे क्या सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे क्या? आप बताइए, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान श्री राम में जिनकी आस्था है वो वहां पे थे और परम सौभाग्य कि उनको निमंत्रण प्राप्त हुआ, हमारे पिताजी को भी निमंत्रण प्राप्त हुआ, हमको भी मिला। वो आयु अधिक होने के कारण, स्वास्थ्य के कारण नहीं जा सके और हम गए और ये हमारा अहोभाग्य है कि दर्शन प्राप्त हुआ। भैया सिर्फ दो सवाल और मेरे रहेंगे। एक सवाल मेरा ये है कि अखिलेश यादव के लोग खुल करके कह रहे हैं कि राजा भैया को हमारा समर्थन प्राप्त है, ये बार बार कह रहे हैं, वो खुले मंच से कह रहे हैं, तो इससे भी राजा भैया को समर्थन प्राप्त है, राजा भैया का समर्थन प्राप्त है। अच्छा जी, तो इससे भी एक सवाल उठ रहा है कि शायद राजा भैया उनको समर्थन दे रहे हैं। हमारे जितने भी समर्थक हैं सब स्वविवेक से जब हमने कह दिया तो जिसको चाहे उसको समर्थन दें, कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकते हैं और बिल्कुल अगर कोई कहता है तो हमको कोई इसकी चिंता नहीं है। जी, एक अगर अपील करनी हो जी, क्योंकि और ये जनरल अपील जी समर्थकों को, एक जनरल अपील वोटिंग को लेकर के, तो राजा भैया क्या कहेंगे? क्योंकि आपका प्रभाव सिर्फ कुंडा ही नहीं, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, एक दल के नेता होने के नाते सबसे पहला दायित्व तो हमारा है कि अपने दल के पदाधिकारियों को, अपने शुभचिंतकों को, वो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के अलावा प्रदेश में जहां भी संगठन है और प्रदेश के बाहर भी जहां चाहे स्वेच्छा से मतदान करें, क्योंकि पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है और दल का किसी अन्य दल के साथ गठबंधन भी नहीं है। तो ये सीधा और सुस्पष्ट संदेश है जिसको हम मंच से भी कह चुके हैं और कई माननीय पत्रकारों के माध्यम से भी कह चुके हैं। एक इस एक लाइन के संदेश के बाद मैं नहीं समझता कि इसकी बहुत मीमांसा करने की आवश्यकता है, इसकी बहुत समीक्षा करने की आवश्यकता है और जिसको जहां मतदान करना हो करे। हालांकि देखा जाए तो राजा भैया को हर पार्टी अपने पाले में क्यों करना चाहती है, यह बात तो आप समझ ही गए होंगे कि यूपी की कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में उनका बोलबाला है और उसी के आधार पर उनकी जरूरत हर किसी पार्टी को है। हालांकि अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे।